Hey guys, good morning, welcome back to my channel and welcome back to my vlog. तो भाई कैसे, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो भाई पहुँच गए भाई लखनपुर, कर लिया क्रॉस। सुबह सुबह का टाइम है, रात को सो गए थे भाई हम, तो सुबह उठ के चले वहाँ से। तो अपनी आ गए अपनी जैंड के में काफ़ी दिनों के बाद, मतलब बहुत ही दिन लगे, बहुत 20 दिन लगे, 20 दिन कंप्लीट, 20 दिन के बाद अपना ट्रिप कंप्लीट हुई। तो अभी हम पहुंच जाए हैं कहाँ, लखनपुर पार करके कठुआ पहुंचने वाले हैं। तो भाई अपनी J&K में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, देखते हैं अब आगे क्या करना है। जा रहे हैं भाई अभी भी अपना सफ़र, अभी यहाँ से रह गया कोई 40 किलोमीटर अपना, जहाँ पे गाड़ी खाली करनी है, हमने करनी है सांबा में गाड़ी खाली, सांबा। और ये भी जाएगा घर। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है और अपने जम्मू का व्यू चेक करो, माशाल्लाह ऐसा व्यू कहीं है ही नहीं यार, ऐसी जगह कहीं पे नहीं है। पूरा ऑल इंडिया घूम लो, ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। रौनक ही अलग है, बंदे अलग, एक फील एक अलग आती है भाई जम्मू कश्मीर में, क्या बात है। क्यों दाने जी? सही बात है गलत बात है? ए यार यहाँ पे देखो ना आप, क्या है यार, जन्नत है जन्नत भाई जन्नत, ठंड हाय 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 नज़ारे, बाहर गर्मी में बंदा जल जाता है। ओहो, बाकी चेक करो आप रोड, थोड़ा बहुत आप काम चाह रहे हो, अब ये 6 लाइन बन रही है ना, इसलिए हमारा जम्मू तरक्की कर रहा है आगे आगे भाई। 6 लाइन बन रही है, जम्मू रिंग रोड भी कंप्लीट है, एक दो पुल रह गए हैं बस, बाकी बन गया तकरीबन सारा ही। ये देखो हमारी जम्मू की गाड़ियाँ कैसे आती हैं भाई, माल लोड करके, वाह। ये रात को निकलती, आजकल कोई कानवाई नहीं होती इसलिए इतनी गाड़ियाँ नहीं दिखती रोड पर। जब पहले कानवाई लगती थी बहुत गाड़ियाँ दिखती थी, जाम होता था इकट्ठे गाड़ियाँ छोड़ते थे। और यहाँ से कुछ चेक करो भाई हमारे, वाह क्या बात है। तो अभी हमारे साथ गाड़ी चल रही है सुबह सुबह के टाइम, तो अभी अभी हम चल रहे हैं भाई, क्या बोलते हैं, ये फ्लाईओवर बन गया 6 लाइन, ऐसे बनती है ऐसी हो जाएगी दाने 6 लाइन सारी बन गए फ्लाईओवर, क्या बात है। बहुत पहले का बना है बट बन गया ना, अब ऐसी रोड बनेगी भाई कश्मीर तक जम्मू से, हमें भी नसीब होगी देखना। वो 6 नहीं होगी, वो 4 होगी, 6 जम्मू तक है, हमें भी नसीब कटरा तक, मेरे घर तक 6 लाइन है भाई, आप टेंशन नहीं है, कटरा तक 6 लाइन बनेगी। जम्मू से आ गया ना कटरा, कटरा से आगे 12 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है यार, 12-15 किलोमीटर, मगर 6 लाइन तो जाएगी ना मेरे घर तक जाएगी, 6 लाइन ऐसी ही लाइन सीधे घर गाड़ी लेके जाने, 6 लाइन। पहुँच गए भाई सांबा, तो यहाँ पे करनी है अपनी गाड़ी अनलोड, तो सांबा यहाँ पे अपनी गाड़ी सिडको में करनी है अनलोड, सिडको। तो ये आगे भाई हम सांबा, अभी अभी यहाँ पे अपनी गाड़ी हो जाएगी अनलोड। एम ये नया ब्रिज बना है भाई, ये भाई अपनी जम्मू कश्मीर देखा कैसी दिखती है, जहाँ मर्जी देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सीधा पीछे देखो पहाड़ी। पहुँच गए भाई हम इधर सांबा में, तो अभी खोल रहे हैं रास्ता त्रिपाल, तो यहाँ पे होगी अंदर अनलोड अपनी गाड़ी, तो खोल रहे हैं दाना रास्ता, खोल रहे हैं ऊपर से, फिर त्रिपाल को करते हैं फोल्ड, फिर करते हैं खाली भाई अपना काम होके रड़ेंगे। होगी भाई अपनी गाड़ी अनलोड कंप्लीट, तो अब यहाँ से निकले हैं सांबा से, तो अब जाएंगे भाई स्लो रखेंगे गाड़ी, तो फिर मैं जाऊँगा घर, तो सुबह आऊँगा वहाँ से। तो फिलहाल चलते हैं, दाना बैठेगा गाड़ी के पास ही, क्यों दाने मैं जाऊँगा फिर तो जाना, ठीक है बारी बारी। हाँ अभी अभी हम यहाँ से निकले हैं और बज चुके हैं 2,
दो बज गए भाई, लेट हो गए। सुबह हम लेट उठे ना इसलिए, वरना इस टाइम तक हम पहुंच भी जाते। तो हो गई थी भाई अपनी गाड़ी खाली, तो आ गए थे यहाँ पे, ये लगाई अपनी गाड़ी और यहाँ पे बाड़ी वाला, और फर्श दिखाना थोड़ा एक जगह से टूट गया था। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर, तो दाना रुकेगा यहीं गाड़ी के पास, तो मैं मुझे जाना है घर। मैं आऊँगा सुबह आऊँगा या परसों आऊँगा, एक दो दिन के लिए मैं घर जाऊँगा, देखूँगा। अगर रात को रुका घर में तो कल आ जाऊँगा कल शाम तक। तो फिलहाल अगर कल हो गया काम तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं कल भी रुकूँगा और परसों आऊँगा। तो फिर परसों निकल जाएंगे यहाँ से किसी रूट पे, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो निकलते हैं हम घर के लिए, तो मैं पहुँचूँगा घर। दाना इधर ही रहेगा, दाना ठीक है मैं जाऊँ फिर? ठीक है, जाओ जाओ। हाँ जाओ, आप लेट हो जाएगा। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ। ठीक है भाई। हम निकलेंगे अब यहाँ से अबोर के लिए, और जहाँ अमृतसर से लोड होगी तो अमृतसर से लोड करेंगे, अबोर से लोड होगी तो अबोर से लोड करेंगे। तो अभी हम खड़े थे सरोवर में, यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो मैं कल आ गया था, इश्फाक भाई अभी आया। तो अभी ये देखो भाई, अभी कोई टेंशन नहीं भाई, अभी गाड़ी चलाने पे अभी इसको लगाऊंगा, कोई टेंशन नहीं भाई, इसीलिए नहीं आ रहे थे। इसीलिए भाई नहीं, मेरे पास दो तीन दिन इसीलिए व्लॉग नहीं आए भाई, मैं इसका वेट कर रहा था। तीन दिन तक मैंने इसका वेट किया, फिर भी आज चौथे दिन। कितना वेट किया? तीन दिन। फिर भी आज चौथे दिन बंदा मेरे पास पहुँचा। अब आ गए तो आप बेल आइकन को दबा देना अच्छे से, ऐसे करके दबा दो बेल आइकन को। जो इश्फाक को मिस कर रहा था वो कमेंट करें और जल्दी से जल्दी करें, लव यू इश्फाक भाई, जरूर लिखें, किसी को मत बोलना मैं आया। तो भाई निकल चुके हैं हम भी यहाँ से, तो अभी चल रहे हैं अपना सफर कंटिन्यू, और इश्फाक भाई अपने बैठे हैं। ये देख लो भाई, इश्फाक भाई जब आ जाए ना मेरा दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि इश्फाक भाई एक ऐसा बंदा है जो अपने हाथ से तैयार किया हुआ बंदा है, पूरा फुल भरोसा है इस बंदे पे, कितनी गाड़ी चला लेगा कितना नहीं, फुल ड्राइवर है, कोई टेंशन नहीं है, आँख बंद करके मुझे इस पर भरोसा है। मैंने इसको कहाँ नहीं गाड़ी दी हुई, वो खुद ही इसको पता है कि मेरे साथ ही, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती। जब इश्फाक मेरे साथ आ जाता है फिर मुझे वो हो जाता है, एक आंख बंद करके भरोसा हो जाता है बंदे पे, जहाँ मर्जी जाए जहाँ से जाएगा मुझे कोई लेना देना नहीं। पूरा रूट का पता है इसको, पूरा समझा के रखा है ऑलरेडी, सब पता है इसको। तो हम पहुँच गए भाई इस टाइम कहाँ पे, ये अपना सांबा क्रॉस कर लिया आगे, तो चल रहे हैं गगवाल क्रॉस कर लिया भाई। यहाँ से पहले नीचे टर्न लेती थी गाड़ियाँ, आजकल सीधी जा रही हैं, शुक्र है अल्लाह का, तब भी नहीं तो नीचे से बहुत घूम के। इश्फाक पहले यहाँ से नीचे गाड़ियाँ जाती थी, मैं भी गया हूँ बड़ी बार। हाँ देखा कितने दूर से घूम के आती, 15-20 किलोमीटर फालतू पे आती है। हाँ थोड़ा ही आगे निकल जाती। सो अभी चल रहे हैं अपना सफर कंटिन्यू है, तो देखते हैं आगे क्या प्रोसेस रहेगा। पहुँच गए गाइस कठुआ, चल रहे हैं, ये हमारे उस्ताद जी, कैसा फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा यार, मजे मजे। जब आ जाता है तो फिर फील ही फील होता है, फिर मुझे किसी चीज़ की। उस्ताद को मेरी बहुत याद आती है, क्या ही गए, हमें भी कोई अपनी परेशानी थी इसीलिए नहीं आ रहे थे, अब आ गए तो हुआ पहुंचने वाले, चल रहे हैं देखते हैं कहाँ जाना है। हम अभी तो अमृतसर ही जा रहे हैं, अगर वहाँ से मिल गया लोड तो ठीक है, तो नहीं तो अबोर जाएंगे, अबोर से भरेंगे। ये देखिए कर लिया है लखनपुर पार, और चल रहे हैं यही पुल लखनपुर का, जो आधा जे एंड के में और आधा पंजाब में, और हमारी गाड़ी भी हो गई है सेट, अभी हुई भी नहीं है, कंफर्म हो भी गई है, कोई पता नहीं, अभी जा रहे हैं अमृतसर, तो मिलते हैं आपसे वहीं जाके, देखते हैं होती है पूरी पक्का कंफर्म या नहीं होती है, तो मिलते हैं आपसे वहीं जाके। जा रहे हैं भाई, हमने कर दिया भाई दीनानगर पार, तो पहुंचने वाले हैं हम कहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, बटाला आने वाला आगे, फिर थोड़ा ही रह गया अपना सफर, और इश्फाक भाई बैठा है और धुंध पड़ रही है भाई, शाम का टाइम है अभी,
चार बजे का टाइम है और धुंध देख रहे हो कितनी पड़ रही है, धुंध अभी से पड़ना स्टार्ट हो गई है, तो रात को कितनी पड़ेगी उस चीज का कोई नॉलेज नहीं। सो देखते हैं अब आगे क्या बनता क्या नहीं। पहुंचा है भाई मंडी में, खा रहे खाना, इश्फाक भाई भी बैठा है। इश्फाक भाई क्या, इश्फाक भाई लेके आया खाना, ये अपनी सब्जी है, ये दही है, ये सलाद है, ये चपाती है, ये चपाती है, ये वेस्ट बनेगा। हाँ ये जो इसमें वेस्ट हो जाएगा वो डस्टबिन से मान लो आप। डस्टबिन है। और अभी खा रहे खाना इश्फाक भाई भी मस्त, क्या है भाई ने खाना लाया जबरदस्त टेस्ट खाना है। मिर्ची बहुत तेज है, तेज होनी चाहिए मिर्ची इसको ऐसे। सुबह तो अपनी गाड़ी लोड हो ही जाएगी, पक्की कंफर्म हो गई है, पक्की कंफर्म। ये नहीं पता कहाँ के लिए होगी बट हो जाएगी लोड। तो अभी भाई खा लो, खाना खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो भाई पहुँच गए अमृतसर, तो अपनी गाड़ी हो जाएगी सुबह लोड। ये बैठा इश्फाक भाई भी यहाँ पे। तो भाई ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, दो दिन तक शूट नहीं किया, और पहले मैंने स्टार्ट किया था ये कहाँ से, अपना अमृतसर से लोग स्टार्ट किया था, यानी जलंधर से स्टार्ट किया था, फिर जम्मू पहुँच गए थे, फिर मैं घर चला गया, दो दिन कोई शूट नहीं किया, दो दिन के बाद फिर से शूट किया। तो अभी हम पहुँच गए कहाँ पे, अमृतसर। अब सुबह हो जाएगी अपनी गाड़ी लोड, तो बैठे हैं यहीं पर। इश्फाक भाई भी आ गया था मेरे साथ, आपने कल वाले मिनी व्लॉग में देख ही लिया था। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना।